आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रैली अग्रसेन चौक से जो निकाली, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि जो आज तक जो सपा सरकार ने लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार लूट हो रही है, लगातार इतना एडमिनिस्ट्रेशन गिरता जा रहा है, टोटल जनता परेशान है। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है, इधर चोरी डकैती भी बढ़ रही है, इधर विकास के नाम पर जीरो चल रहा है, कहीं भी कोई रोड, कहीं गांव देहात में कहीं कोई विकास नहीं चल रहा, व्यवस्था खराब है। कि इस समय कोई आदमी 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेके भी अपने घर पर नहीं जा सकता। अभी मंडी की घटना ले लीजिए, उधर 16-17 लाख वहां लूटे गए, एक आदमी अपनी जरा से मैरिज रोड जैसी जगह पर लूट हो रही है, जो अपने घर के लिए नहीं जा सकता, एक बैंक से 15 मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर आदमी अपना सुरक्षा के साथ नहीं जा सकता। क्या महिलाएं भी असुरक्षित है सरकार में? महिलाएं इतनी असुरक्षित है, देखिए महिलाओं के साथ भी कांड हो रहे हैं, कितनी महिलाओं के आए दिन किसी की चेन टूट रही है, किसी के आपके कुंडल टूट रहे हैं, कोई अपने जो अपने कहीं जा नहीं सकती, और भी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं।